मैं बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊंगा, तब तक जो बुक किया है उसे अच्छे से करना। अपनी टीम के कनापन को दुष्यंत का ड्रेस पहना देना और दुष्यंत का किरदार अच्छे से करने को बोलना, बिल्कुल मेरी तरह करने को बोलना, ठीक है? अरे बाप रे, इस महल के डांस मास्टर हूँ क्या? डरो मत, मैं भी तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। नाम है नरसिम्हा राजू, राजमुंद्री के कांजी राज्य से आ रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आया। मैं हूँ नरसिम्हा, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। हेलो सूर्य नारायण, अगर तुम नहीं आते, कंचना से शादी मैं ही करने वाला था, तुम्हारे आने से मेरे सर का बोझ उतर गया। नहीं, वैसे मैं तो पसंद नहीं है, ऐसा बोल रहे हो? ऐसा नहीं होगा, तुम्हें पसंद करना ही होगा, शादी करनी ही होगी, हमेशा के लिए रुकना ही होगा। पता है क्यों? 24 साल से इंतजार कर रही थी वो भी तेरी वजह से। किस्मत वाला है तू, किस्मत वाला है तू। मामा जी, देखा क्या आपने? वाकई में सूर्य नारायण किस्मत वाला है। कान्हा ब्रह्म, हे भगवान। देखा देखा, हमारी इस कुमारी के चेहरे पे रौनक को देखा, जब से मैं आया हूँ कमल सा खिला हुआ है चेहरा। राजकुमार के मन में हलचल, इसका बर्ताव राजा जैसा ही है। कंचन और सूर्यन दोनों श्री राम और सीता जैसे ही हैं। सही कहा ना सुंदरी? ठीक है, सही कहा, लेकिन श्री राम जी की और सीता की परिस्थिति आएगी। वो क्यों? जब वनवास खत्म किया था तो राम जी ने सीता के ऊपर शक किया था ना। श्री राम को वनवास खत्म करने के बाद कैरेक्टर के बारे में सीता के ऊपर शक नहीं किया था, लेकिन प्रजा की खातिर इस तरह के शक का एक नाटक करना पड़ा। यहाँ भी ये सूर्य नारायण है, इसकी परीक्षा पास करनी होगी। कैसी परीक्षा? कुछ लिखकर जीतने जैसा है क्या? है ना, इस तरह की परीक्षा कोई भी कर सकता है। ऐसा है क्या? तलवारबाजी। सूर्य नारायण जी जीतेंगे क्या? अरे मलयालम में बोलो। अरे हो जाने दो फाइट। अबे रुको। देख रहा हूँ तुम काफी देर से बंदर की तरह उछल रहे हो, आगे से इस तरह करोगे तो आंखें फोड़ दूंगा। देखो ये हुई ना बात। देखो मैं सत्य हूँ, इसलिए मैं 1000 प्रतियोगिता करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन थोड़े कुछ स्टैंडर्ड बल प्रयोग जैसे आदमी को सामने लेकर आओ, उसे छोड़कर इस तरह के गरीब बेचारे से लड़ना मुझसे नहीं होगा। सही है, राजकुमार जी ने जो बोला वो बिल्कुल सही है, आखिर तुम्हें ऐसे जंगली लोग कहाँ से मिले। कुश्ती। हे मेरी माँ, तू मरेगा। निकल, आ जाओ गले लग जाओ। हट जा। ऊपर से नीचे तक पूरा शोला हूँ, समझा? सेलपात पुरु हूँ, सुधु नहीं उधु। अरे तुमने उससे कौन सी भाषा में बात की? एक इंसान के शरीर में कितनी नसें हैं, कुश्ती वाला है कम से कम उसे पता तो होना चाहिए। तुमने उससे किस भाषा में पूछा था? वो सब मैं नहीं जानता हूँ, पैर पे गिर के माफी मांग लिया तो बाकी भूल जाओ। अरे हुआ नहीं है, अगली कुश्ती की प्रतियोगिता है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके तुम बच गए, अभी शक्ति का प्रयोग करके देखो। मैं राजा कुल का हूँ, क्या ये स्टैंडर्ड काफी है? तुम राज कुल के हो, गावटी की मार खाई है कभी?
ये है ना गावठी। ये भी गावठी का है। अरे वाह राजकुमार जी, क्या बात है। शुरू करो, शुरू करो। सूर्य नारायण की जय हो, 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 सूर्य नारायण की जय हो। 3 लाख नहीं 30 लाख देने की बात भी भूला तू भी, मैं यहाँ अभी रुक नहीं पाऊंगा। अरे मेरी भारती, मैं आ रहा हूँ। अमोती बेटे, पिताजी आ रहे हैं। राजकुमार जी कहाँ? काशी के लिए। भारती देखो, वो एक राजा है। राजा साहब, राजा साहब बचाइए मेरे पति को। इस महल में कोई समाज के विरोधी लोगों ने बंदी बनाकर रखा है। मेरे पति को छुड़वा दीजिए। मम्मी, ये राजा नहीं, पापा है। तो फिर वो तुम्हारे पापा ही है। बुलाओ जरा उन्हें। पापा। बेटी। पतिदेव। अरे ये तुम्हारा पतिदेव कन्नाब्रह्म नहीं है, कोई और है। चुप रहो, ये मेरी बीवी और बच्चा है। मैं अपने पति को लेकर जाऊंगी। पापा हम जाएंगे। ओके, चलो अब नाटक इधर खत्म। अपनी चालबाजी मत दिखाओ, सारा काम बन के हाथ में आ रहा था। देखो कन्ना ब्रह्मा, जो उधारी विदारी देना था उसे मिलाकर 3 लाख के अलावा 10,000 तुम्हें और दे देते हैं। तुम्हारे उन लाखों को ले जाकर जला दो, मेरे लिए मेरा परिवार अहम है। मेरी भारती को छोड़कर मैं कभी कहीं नहीं रहा। अरे रहने दो ना साथ में, किसने बोला छोड़कर रहने के लिए? अलग होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत बुरे हो, पता भी है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। अरे भारती, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं चाहिए। अरे बाप रे, मुझे छूना मत। अरे मुझसे गलती हो गई है, तुम्हें जो वादा किया था वो मुझे निभाना है ये सोच रहा था, लेकिन वो कैसे निभाना है मुझे समझ में आ गया है। वैसे ये पूरी जगह परेशानी देने वाली है, यहाँ के बड़े मालिक को बिना कुछ बताए चुपचाप हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है, ये जगह छोड़कर? हाँ, हम ये जगह छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। मार दो। क्या? हमें मार कर जाओ काफी है, और अब हम कर भी क्या सकते हैं। तुम्हारे चले जाने के बाद यहाँ हमारे टिक्के रहने की कोई जगह भी नहीं है। कब्र में जाकर हम खुद गिरेंगे। अरे बेकार में उधर जाकर सड़ने से अच्छा हमारी सहायता करो। जो पैसा हमारे और तुम्हारे हाथ में आने वाला है उसे छोड़कर मत जाओ कनाब्रह्म। ठीक है, लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ रहेगी। तुम्हारे साथ? मेरे साथ नहीं तो क्या तेरे साथ रहेगी? कनाब्रह्म, अभी तुम कनाब्रह्म नहीं हो, सूर्य नारायण हो, इस बात को याद रखना। देखो तुम्हारी भारती और बच्ची यहीं पर रहेंगे। ध्यान रखना, तुम लोग मियां बीवी हो, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बेटी, सूर्य नारायण की तबीयत खराब है, वो तकलीफ में है। हमारे यहाँ का खाना पीना कुमार को पसंद नहीं आया होगा, अब हम क्या करेंगे? देखिए, हर दिन इसका अलग अलग खान पान है राजकुमारी। हाँ। जी